हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कुकिंग पर। आज हम बनाएंगे चाइनीज स्टाइल फ्राइड राइस। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बन भी जल्दी जाते हैं। आप इसे लंच या डिनर में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 कप बासमती चावल। आप सेला चावल भी ले सकते हो, बासमती चावल से ये बहुत अच्छे बनते हैं। चावल जितने पुराने होंगे उतने ही अच्छे बनते हैं। मैंने यहाँ 1 साल पुराने यूज़ किए हैं। इन्हें हम 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से जो भी डस्ट है वो निकल जाए। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर भी रख सकते हैं। इससे चावल जल्दी कुक हो जाते हैं और अच्छे खिले खिले बनते हैं। अब हम करेंगे चावल बॉयल। इसके लिए मैंने पहले से ही पानी गर्म रख दिया था। अब हम इसमें वॉश किए हुए चावल डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। 1 उबाल आने का वेट करेंगे। देखिए उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच ऑयल। इसमें नमक इसलिए डाला जाता है ताकि चावल थोड़ा नमकीन रहे और ऑयल से यह चिपके नहीं। अब एक बार मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और चावल को 80% तक कुक कर लें। यहाँ सब्जियों में मैंने ली है 2 गाजर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, उसे मैंने बारीक काट लिया है, और इसके अलावा 2 मीडियम प्याज और 2 कलियां लहसुन। 2 शिमला मिर्च ली है मैंने। शिमला मिर्च आप पीली और लाल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सब्जियों को बारीक काट लिया है। आप सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इधर हमने चावल पकाने के लिए रखे थे, उसे चेक कर लेते हैं। चावल का एक दाना उठाइए और हल्का सा दबा के देख लें कि चावल टूट तो नहीं रहे। देखिए चावल 80% कुक हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर, उसमें चावल छान लेंगे। चावल छानने के बाद हम इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम करेंगे तड़के की तैयारी। उसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल सारी कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे। ऐसा करने से चावल कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। तेल हल्का सा गर्म होते ही डाल देंगे लहसुन और साथ ही डाल देंगे अदरक। इसे हम हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम तब तक भून लेंगे जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इससे भूनने के बाद फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। नॉर्मली इसमें गाजर, शिमला मिर्च और ब्रोकली डालते हैं। आप चाहें तो इसमें बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर और शिमला मिर्च थी तो मैंने वही डाली है। हमारे लहसुन प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। पहले मैंने डाल दी है गाजर, इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे कि आपने सब्जियों को ढककर नहीं पकाना, नहीं तो यह सोगी हो जाएंगी। आप यह रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। गाजर भी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ध्यान रहे कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें हल्का सा क्रंच बना रहे, तभी फ्राइड राइस खाने में अच्छे लगते हैं। शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच सोया सॉस। चाइनीज़ खाने में सोया सॉस तो डालते ही हैं, इससे फ्राइड राइस का कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हमने डाली है 1 चम्मच वाइट विनेगर। फिर मैंने डाली है 1 चम्मच चिली सॉस। आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी डाला है। साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही डाल देंगे चावल। चावल हमने ठंडे ही डालने हैं, गरम बिल्कुल भी नहीं डालने। अगर आप जल्दी में हैं तो चावल बॉयल होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर आपके पास बचे हुए चावल हैं तो उससे भी फ्राइड राइस आप बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल और सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं। चावल टूटे नहीं, इसलिए आप इन्हें हल्के हाथों से ही मिक्स करें। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच बटर और साथ ही डाल दिया है हरा धनिया।
इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज है तो आप धनिया की जगह वो भी डाल सकते हैं। वैसे तो फ्राइड राइस नॉर्मली मंचूरियन के साथ खाए जाते हैं, अगर आपके पास मंचूरियन नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म फ्राइड राइस बनकर तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी और ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।